प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, आप वीडियो देखते हो, आप टोटके करते हो, कामयाब भी हो जाते हो, कितने लोग कामयाब नहीं होते, क्यों नहीं होते उसका रीजन आप लोग समझते हैं या जानते हैं? अगर भूत प्रेत का छाया आपके ऊपर है तो कैसे होगा भाई? पहले उस भूत प्रेत के छाया को जो है समाप्त करना पड़ेगा, उसे हटाना पड़ेगा, फिर वो टोटका कोई भी उठा के करोगे आपका काम करेगा, 100% काम करेगा। पर भाई जो शरीर के अंदर कचरा है उसे निकालना है कि नहीं है? अगर मैं गलत बोलता हूं तो आप सब मुझे इसका आंसर दें आप, ठीक है? मैं, मेरे पास जो भी शक्तियां हैं जितना होता है मैं करता हूं, ऐसा कोई काम नहीं है कि मैं नहीं करता हूं। पर आपसे मेरा बोलने का जो कारण है वो आप मुझे क्लियर करें। रही दूसरी बात, जितने लोग हैं, चाहे हमारे हिंदू भाई हैं, चाहे क्रिश्चियन हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, लेकिन आप सबको मैं एक बात बताना चाहूंगा, उस पर आप ध्यान से सुनेंगे। आप अगर आप पूजा कर रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो या आप प्रार्थना कर रहे हो, तो प्रार्थना करने के टाइम पे प्रार्थना खत्म हो जाता है या पूजा खत्म हो जाता, तुरंत उठ के चले जाते हो, ये गलत है, ये गलत है। जितने भी हमारे भाई बहन मुझे सुन रहे हैं उन सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस बात को आप सुने। ऊपर वाला सबके लिए आशीर्वाद देता है, सबके लिए ऐसा हाथ करता है, पर उसे आप गवा देते हो, आप उसे गवा देते हो। आपको पता है जब आप निवेदन करते हो, प्रार्थना करते हो, नमाज पढ़ते हो अपने खुशी के लिए, खुशहाल होने के लिए, तो ऊपर वाला उसे सुनता है, आंखें यूं बंद रहता है उसका, सुनता है आपका सारा निवेदन, एक्सेप्ट करता है। जैसा आपका निवेदन खत्म होता है आप जगह से उठ के चले जाते हो, और ऊपर वाला जैसा सोचता है ना, ऐसा आंखें खोलने जाता है तो वहां आप जगह पे नहीं होते हो, तो जो दृष्टि उनकी पड़ती है वो किसी और के ऊपर पड़ती है। और आप लोग क्या बोलते हो कि ये बंदा देखने के लायक नहीं, इसके पास धन दौलत की कमी नहीं है, तो बंदा टाइम पे उसने अपनी हाजिरी लगाई है और टाइम पे आशीर्वाद प्राप्त किया है, इसलिए उसके पास धन दौलत की कमी नहीं होती है। और आप इतना खूबसूरत होने के बावजूद भी आप पीछे क्यों हैं, मुझे इसका जवाब आप दे सकते हैं? नहीं दे सकते। इसीलिए जब भी आप मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, चर्च में जाए, जब भी मत्था टेकते हैं, आपका प्रार्थना कंप्लीट होता है, तो उस स्थान पे कम से कम 2 से 3 मिनट आप वहां रुकें। रुकने के बाद नमन करें, फिर निकल जाए, आपका काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसी में और एक लाइन मैंने जो लाइफ में मैंने एक्सेप्ट किया है, और मैं दिल से बोलूंगा, झूठ बोलूंगा नहीं, संसार में ऊपर वाले के सिवा कोई नहीं है हमारा।